गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फन. स्टूडेंट्स एंजॉय ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट दिस इज योर हिंदी लिटरेचर क्लास. सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिंदी लिटरेचर सिलेबस, आई मीन योर कंटेंट. सो स्टूडेंट्स आज हम क्या करने वाले हैं, आपका हिंदी लिटरेचर में कंटेंट डिस्कस करेंगे आपसे. तो चलिए सभी स्टूडेंट्स वीडियो को केयरफुली देखेंगे और मेरे साथ अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को कि कौन कौन से चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में आने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपका ये फ्रंट पेज है आपकी इंग्लिश सॉरी हिंदी का फ्रंट पेज है आपका रिमझिम, जिसका नाम है रिमझिम. यह आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से आपको शो होता है हिंदी का. इसके कंटेंट के बारे में स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं. देखिए ये आपका है विषय सूची, ये आपको कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी की बुक में. ये हिंदी लिटरेचर है आपकी, ठीक है. तो स्टूडेंट्स देखिए आपका इसमें टोटल आपके आएंगे 8 चैप्टर. कितने चैप्टर स्टूडेंट्स आपके आएंगे? 8 चैप्टर आएंगे टोटल आपके इसमें फर्स्ट टर्म में. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर की, ये है क्या है झूला. आप जैसे कि सभी को पता है झूला, झूला कितना अच्छा लगता है सभी को. तो इसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि अम्मा मुझे झूला लगा दे, मैं भी झूला झूलूंगा. झूला उसको बहुत पसंद है, वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे भी झूला लगा दो, मैं भी झूला झूलूंगा. और झूला कैसे होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो क्या ऐसा लगता है जैसे कि हम आसमान को छू लेंगे, इस तरीके से लगता है ना. क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं, तो वो कह रहा है कि मैं आसमान को छू लूंगा, झूले पर बैठ कर मैं आसमान को छू लूंगा, कि माँ मुझे झूला लगा दे, मैं भी आसमान को छू लूंगा झूले पर बैठ कर. तो वो कह रहा है कि उसमें झूला जब झूलते हैं तो आप सभी देखते हैं, सभी चीज़ें ऐसा लगती हैं कि सभी चीज़ें हमारे साथ हिल रही हैं. आप झूलते हैं आप, लेकिन सभी चीज़ें आपको लगता है कि वो भी हमारे साथ झूला झूल रही हैं, कि पत्ता पत्ता झूला झूल रहा है, डाली डाली झूला झूल रही है. तो ये पूरा चैप्टर झूले के ऊपर दिया गया है, ठीक है. तो जब हम इसको आगे रीड करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स. सेकेंड चैप्टर है आपका हिंदी में आम की कहानी. इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इस चैप्टर में आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इसमें पिक्चर देख के बताना है कि इस पिक्चर में क्या बताया गया है. पूरा ही आम के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है आपकी, कहानी है कि इसमें एक आम का पेड़ होता है और उस आम के पेड़ को उसमें आम आ रहे होते हैं, आम के फल लगे होते हैं. एक लड़की होती है, उसे आम देख कर मन करता है कि मैं भी आम खा लूँ वो तोड़कर. तो अपने भाई को बुलाती है, गुलेल उसके पास होती है, उसके भाई के पास. तो वो क्या करता है, गुलेल से उसको तोड़ना चाहता है आम के जो उसमें लटक रहा है आपके पेड़ पर. तो तभी उसमें दूसरे साइड से कौवा भी उसको आम को देख रहा है, वो भी उसको पकड़ना चाहता है. तो इस तरीके से एक पूरी छोटी सी स्टोरी है, जब हम इसको रीड करेंगे तो अच्छे से जानेंगे आपको. पूरी आम के ऊपर स्टोरी है ये, आम की कहानी. थर्ड है इसकी आपको आम की टोकरी. एक लड़की है 6 साल की, वो क्या एक्टिंग कर रही है, आम बेचने की एक्टिंग कर रही है, आम बेच रही है. तो आम बेच रही है कि आम कैसे, आम रसीले हैं, आम गोल हैं, आम मीठे हैं. तो क्या है, इस तरीके से आम बेच रही है. जैसे कि दिखाया ना एक लड़की क्या बेच रही है, यामी, इसी की पिक्चर दिखाई गई है आम की टोकरी चैप्टर की. इस चैप्टर का नाम ही आम की टोकरी है, वो आम की टोकरी ले जाकर आम बेचती है और सबको बुलाती है कि आम ले लो, आम ले लो, आम मीठे हैं, ठीक है. इस तरीके से वो अट्रैक्ट करती है जिससे सब उससे आम खरीद लें. तो ये पूरी स्टोरी है आम की टोकरी आपकी, ठीक है. थर्ड चैप्टर आपका यही है. फोर्थ चैप्टर है स्टूडेंट्स आपका पत्ते ही पत्ते. तो इसमें स्टूडेंट्स बताया गया है पत्ते. आप सभी देखते हैं सभी पेड़ों पर पत्ते होते हैं, लेकिन क्या होता है, सभी पेड़ों के पत्ते कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं. कुछ बाहर से नुकीले होते हैं, कुछ बाहर से जैसे नुकीले से या कटवा से होते हैं. इस तरीके से सभी तरीके के जो पेड़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके पत्ते उनके लीव्स भी अलग अलग होती हैं. पत्तों का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, आपने देखा होगा बंदवार बनाने के लिए घर दरवाजे पर हम बंदवार बनाते हैं, वो भी पत्तों का बना सकते हैं ना. कहाँ कहाँ हम पत्तों का यूज़ करते हैं इस चैप्टर में आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स. चैप्टर 5 है आपका पकौड़ी. इसमें पकौड़ी के चैप्टर हैं. पकौड़ी
का बारे में बताया गया है कि पकौड़ी कैसी होती है, गोल गोल बनती है, गरम गरम बनती है। तो क्या होता है जब हम खाते होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, सभी को पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। और आपने खाई भी होंगी फ्रेंड, ये चैप्टर पूरा पकौड़ी के ऊपर है आपका। सिक्स चैप्टर है आपका छुक छुक गाड़ी। छुक छुक गाड़ी एक पूरा चैप्टर है, इसमें बताया गया है इस तरीके से। इसमें गिनती भी आपको चैप्टर के थ्रू गिनती भी सिखाई गई है, 1 2 3 4 5। देखिए ये उन्होंने बच्चों ने क्या बना रखी है, एक तरीके की ट्रेन के तरीके से उन्होंने सबको एक दूसरे को पकड़ रखा है। आपने देखा होता है ना इंजन, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कंबाइन होते हैं। इस तरीके से आपको चैप्टर में बताया जाएगा छुक छुक गाड़ी के थ्रू। आप इसमें बहुत आपको मजा आएगा जब इस चैप्टर को रीड करेंगे आप, ठीक है। चैप्टर 7 है आपका रसोई घर। इसमें रसोई घर के बारे में बताया गया है कि रसोई घर में क्या क्या चीजें होती हैं, चकला, बेलन, छलनी, माँ क्या कर रही है ना, ये सभी वो खान आप सभी देखते हैं, सभी के घर में रसोई होती है। और रसोई कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सभी खाना हम वहीं तो बनाते हैं, वहीं तो सबके लिए खाना बनाया जाता है रसोई घर में, है ना। और चैप्टर 8 है आपका चूहो म्याओ सो रही है। चूहो म्याओ सो रही है, इसमें चूहे होते हैं तो क्या कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से जिसको खाना है खाना खा लो, क्योंकि अब बिल्ली सो रही है। आप सभी को पता है बिल्ली चूहे को खा जाती है, तो इससे वो तो चूहे आपस में कह रहे हैं कि चलो जल्दी से जो भी सबको खाना है खा लो, अभी तो बिल्ली सो रही है। तो ये पूरा चैप्टर है चूहों और बिल्ली में दिखाए गए हैं। तो जब हम इसको चैप्टर को आगे रीच करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर, ये 8 चैप्टर आपके यहाँ तक आपके हैं फर्स्ट टर्म में आने वाले। ओके, ये आपका फर्स्ट टर्म है, यहाँ तक कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, ये स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म है। तभी आपके फर्स्ट टू 8 चैप्टर तक आपका कहाँ तक आएगा, फर्स्ट टर्म में आएगा। ये 9 से लेके स्टूडेंट्स आपके आएंगे 17 चैप्टर तक आपके ये हैं सेकंड टर्म में आने वाले चैप्टर। ये सभी कहाँ कहाँ तक आएंगे, आपके सेकंड टर्म में आएंगे। ये आपका सेकंड टर्म है, यहाँ से 9 चैप्टर्स आप सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। तो ये इसमें 9 चैप्टर में आपको बंदर और गिलहरी की कहानी दी हुई है। 10 चैप्टर है आपका पगड़ी, 11 है पतंग। पतंग के ऊपर है कि पतंग जब हम उड़ाते हैं तो कैसा, सभी को पतंग, सभी पतंग उड़ाते हैं तो पतंग कैसे कैसे ऊपर आसमान को छू लेती है, कहाँ कहाँ जब पतंग कटती है तो कहाँ कहाँ गिर जाती है, जाकर मैदान में, सड़क पर, कहीं भी जब कटती है तो कहीं भी गिर सकती है। तो ये पूरा चैप्टर पतंग के ऊपर दिया गया है, कि जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चे को। 12 चैप्टर है गेंद और बल्ला, सभी को बैट बॉल भी सभी ने खेला होगा, खेलते भी होंगे बैट बॉल से, तो ये चैप्टर बैट बॉल के ऊपर है पूरा। 13 चैप्टर है बंदर गया खेत में भाग। बंदर खेत में भाग जाता है, वहां पर खूब मस्ती करता है और फिर एंड में क्या होता है, थककर सो जाता है वहीं पर ही, क्योंकि वहां पर जब खेल कूद करते हैं तो वो थककर एंड में हम थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। इस तरीके से बंदर ने भी खूब उछल कूद करी खेत में और फिर वो एंड में सो गया। 14 चैप्टर है एक बुढ़िया। 15 चैप्टर है मैं भी। तो फ्रेंड जब आप इस चैप्टर को आगे, जब मैं सेकेंड टर्म में आपको रीड कराऊंगी, सब अच्छे से आप डिटेल से पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को। 16 चैप्टर है लालू और पीलू। लालू और पीलू दो चूजे होते हैं, लालू को लाल चीजें खानी बहुत पसंद होती हैं, पीलू क्या खाता है, पीली चीज ही खाता है। तो लालू जब लाल मिर्च खा लेता है तो उसको बहुत ज्यादा मिर्चें लग जाती हैं, तो फिर पीलू क्या करता है, पीलू उसको पीला गुड़ लाकर देता है, जिससे फिर उसको अच्छा लगता है। जब उसे जब हमें मिर्चें लग जाती है तो हमें मन करता है कुछ जल्दी से मीठी चीज खा लें, जिससे हमारी मिर्चें लगना बंद हो जाए। तो इस तरीके से पीलू उसे गुड़ ला कर देता है, तब जाकर उसकी मिर्चें रुकती हैं, तब उसे मिर्चें नहीं लगती। तो ये पूरा चैप्टर है लालू और पीलू, क्योंकि लालू को लाल चीजें पसंद थी और पीलू को पीली चीजें पसंद थी। चूजे होते हैं दो ही, लालू और पीलू। सेकेंड चैप 17 चैप्टर है चकई के चकदुम। ये भी चैप्टर चकई के चकदुम है, स्टोरी है छोटी सी, जब हम इसे आगे के चैप्टर में रीड करेंगे अच्छे से। और आपका 18 चैप्टर से लेकर स्टूडेंट्स आपको 23 चैप्टर तक ये आपके आएंगे थर्ड टर्म में। ये आपके कहाँ आएंगे, थर्ड टर्म में पढ़ने वाले चैप्टर हैं।
19 चैप्टर है। चार चने, चार चने होते तो मैं क्या करता, चार चने होते तो मैं घोड़े को खिलाता, जब घोड़े को खिलाता तो वो अपनी पीठ पर बिठाता और फिर क्या होता, हमें बड़ा मजा आता। मतलब वो क्या, इसमें चनों के बारे में दे रखा है कि हम चार चने देकर किसी को कुछ भी अपना काम करा सकते हैं और हमें वो बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं, मजा आ सकता है। मतलब एक तरीके से अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके साथ फिर कुछ चीज़ शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और साथ में वो भी हमें बदले में कुछ ना कुछ हमें देता है। तो ये कह रहा है कि मैं अगर घोड़े को चार चने खिलाता तो वो मुझे अपने पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो मुझे बड़ा मजा आता। ये एक बच्चा बोल रहा है इस चैप्टर में। चार चने चैप्टर का नेम है। 20 है भगदड़, 21 है हलीम चला चांद पर, 22 चैप्टर है हाथी चल्लम चल्लम। ये हाथी के बारे में है कि हाथी कैसा होता है, बहुत भारी होता है, उसके पैर कैसे होते, बड़े बड़े खंबे जैसे होते हैं उसके पेड़। 23 चैप्टर है सात पूंछ का चूहा। इस चूहे की सात पूंछ थी। जब इसे चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस समय स्टूडेंट्स हिंदी लिटरेचर के चैप्टर्स थे जो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में आने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आप हिंदी व्याकरण की, आप हिंदी व्याकरण भी पढ़ते हैं ना, आप हिंदी व्याकरण की भी अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, अलग से आपको कॉपी बनानी पड़ेगी। वो हिंदी फर्स्ट है, ये हिंदी सेकंड की कॉपी बोली जाती है, ये होती है हिंदी व्याकरण। ये आपकी विषय सूची है, आप कौन कौन से आप चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, सर आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल इसमें 15 चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर आपके स्टूडेंट्स आएंगे फर्स्ट टर्म में, 6 से लेकर आपके 10 तक आएंगे सेकंड टर्म में, और 11 से लेकर 15 तक आपके आएंगे स्टूडेंट थर्ड टर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टर्म में। भाषा, आप सभी को पता है भाषा, जो हम कुछ भी बोलते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं वो किसके द्वारा, किस थ्रू करते हैं, हम बोल कर ही करते हैं, बोल कर ही हम ही एक दूसरे से हम अपनी बात को कह पाते हैं। तो यही क्या है, हमारी भाषा है। हम बिना भाषा के अपना कुछ हम किसी दूसरे को नहीं समझ पाएंगे अगर हम भाषा का यूज़ नहीं करेंगे। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही भाषा के द्वारा करते हैं, एक दूसरे से बोल कर ही। वर्ड से शब्द बनते हैं और शब्दों से हम मिलकर हमारे वाक्य बनते हैं, और वाक्य ही से हमारी क्या होती है, वो हमारी भाषा होती है जो हम एक दूसरे से अपने दिन दैनिक जीवन में रोजाना अपना यूज़ करते हैं, बोलकर आप सभी करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को अपनी बात कह पाते हैं, समझा पाते हैं भाषा के द्वारा ही। तो ये चैप्टर आपका भाषा फर्स्ट चैप्टर है। हमारी यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हमारी यहाँ की राष्ट्रभाषा है इंडिया की हिंदी, सभी हिंदी बोलते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपके वर्ड। वर्ड का मतलब होता है जैसे अल्फाबेट होती है इंग्लिश में, इसी तरीके से हिंदी में वर्णमाला होती है। तो वो इसके दो पार्ट्स होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आप इसे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे आप, आपने ये अपना पहले भी पढ़ रखा है स्वर और व्यंजन को। थर्ड चैप्टर है मात्राएं। मात्राएं पढ़ेंगे आप थर्ड चैप्टर में, कौन कौन सी क्या क्या मात्राएं होती हैं, बड़ा आ छोटी, बड़ी छोटा हो, बड़ा हो, रहते ऋषि, इससे ये सभी क्या है मात्राएं होती हैं, इनका मात्राएं हम यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है बिंदु बिंदु और चंद्र बिंदु, और चैप्टर फाइव आपका शब्द, स्वर और व्यंजन का मेल। शब्द कैसे बनते हैं, स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं, जिस तरीके से जैसे मैंने यहाँ लिखा है आम, तो आम हमारा क्या है स्वर है, और मेक इसमें आता है व्यंजन में आता है, तो इन दोनों के मेल से क्या बन गया, ये एक शब्द बन गया पूरा आम। तो इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे स्वर और व्यंजन से बनने वाले शब्दों को। ठीक है, तो ये आपके 5 चैप्टर आएंगे आपके फर्स्ट टर्म में, और 6 से लेकर 10 तक आपके आएंगे सेकंड टर्म में, और 11 से 15 तक आपके आएंगे थर्ड टर्म में। 6 चैप्टर है आपका वाक्य। 6 चैप्टर है वाक्य के, वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्य में क्या क्या होता है, इसमें एक कर्ता होता है जो अपनी बात कह रहा है और जिससे बात कर रहा है उसके बारे में, ये पूरा एक चैप्टर है आपका वाक्य की, कैसे कैसे छोटे छोटे वाक्य होते हैं, हम दैनिक जीवन में भी अपने वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है। संज्ञा,
संख्या स्टूडेंट्स, आप सभी को नहीं पता होगा, आपने नहीं पढ़ी होगी, तो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ेंगे नाउन। और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। किसी भी चीज के नाम को ही हम बोलते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को, किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या है? नाउन है, संज्ञा है आपकी। जैसे टेबल, चेयर, मेज, पेंसिल, रबर, ये सभी चीजें हैं, इनका कुछ ना कुछ नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा है। किसी जगह का नाम, जैसे मेरठ, आप कहाँ रहते हो? मेरठ में रहते हो, ये जगह का नाम है मेरठ, तो ये भी संज्ञा है। आप स्कूल में पढ़ते हो, आप स्कूल का क्या नाम है? राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। तो आप बस सब ये ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो स्टूडेंट्स, ये आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी इन सभी चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। 11 चैप्टर है आपका लिंग, 12 है एकवचन बहुवचन, 13 है समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची, 4 चैप्टर है विलोम शब्द, 15 है कहानी लेखन, ठीक है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है हिंदी लिटरेचर और हिंदी ग्रामर। ये आपकी दो बुक है, हिंदी लिटरेचर और हिंदी व्याकरण। तो चलिए, आप सभी को ध्यान से आपने देख लिया होगा, आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।